नाम में नहीं है लेकिन सरनेम में सब कुछ है। सरनेम ही तय करता है कहां तक पहुंचोगे। पेरियार, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप एक साझा सोच देखिए, क्यों हमारे दलित बहुजन चिंतक उस तरह से नहीं सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपका रेजोल्यूशन सोच रहा है। कहीं तो लोचा है केमिकल, ऐसा क्यों हो रहा है? हम में से अधिकांश को लगता है ना कि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में पले बड़े हैं, दूसरों को तौलने का पैमाना भी वही होना चाहिए। सर, हर चीज जो प्राचीन होती है गोल्डन नहीं होती है। प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में आपकी चिंता मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्राचीन के लिए आंसू बहाने से पहले जरा हम समकालीन विश्वविद्यालयों को भी देख लें। हमारी संकल्पना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो काउ बेल्ट है, इसकी संकल्पना को ही हम प्राचीन भारत की संकल्पना मानेंगे तो कैसे होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत? राकेश सिन्हा जी विश्वविद्यालय में मेरे सीनियर रहे हैं, दो ध्रुवों पे हम दोनों खड़े रहते हैं, लेकिन संवाद उनकी एक खूबी है कि संवाद को विवाद में तब्दील नहीं होने देते हैं। तो पहला शेर अर्ज किया है आपके माध्यम से माननीय मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन को, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयसर तो आरजू ही सही, न तन में खून फराहम न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही। क्या बात है। ये फैज का था सर, फैज अहमद फैज का। अब इनको इंडियन इंडिक ट्रेडिशन में हम कहां रखेंगे कि या त्याग देंगे पता नहीं, अब तो फैसला आने वाली पीढ़ियां करेंगी। हमारे दोस्त अमर पटनायक जी ने कुछ मामला आसान किया, कुछ जवाहर सरकार जी ने। देखिए सर, माननीय उपसभापति महोदय, बड़ा मुश्किल दौर है, मिथ हिस्ट्री बन जाता है और हिस्ट्री मिथ बन रहा है। मिथक और इतिहास का फर्क अगर आप मिटाने पे आमादा हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। आज तालियां बजेंगी लेकिन कल वो हाथ ही नहीं होंगे ताली बजाने वाले। मैं ग्राम्शी का जिक्र किया, एंटोनियो ग्राम्शी, मार्क्सिस्ट हैं सर, मार्क्सिस्ट थे, फासिज्म से लड़े। हेजिमनी का जिक्र किया अमर पटनायक जी ने, लेकिन एक काउंटर हेजिमनी हुआ करती है जो हेजिमनी को चैलेंज करती है, और उसका केंद्र आमतौर पर शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय होते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी आज की जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन होगा वो उसी दृष्टिकोण से होगा कि काउंटर हेजिमनी का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें मैं फाइनली राकेश सिन्हा जी और तमाम पुरुषोत्तम जी वगैरह सबको इन्वाइट करूंगा। सर, अमर पटनायक जी ने एक और बात कही, वो था कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके विपरीत एक कॉन्सेप्ट है इथनोसेंट्रिज्म। हम में से अधिकांश को लगता है ना कि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में पले बड़े हैं, दूसरों को तौलने का पैमाना भी वही होना चाहिए। ये टेम्पटेशन है सर, कई सभ्यताओं को ये टेम्पटेशन खा गया, लील गया। हमें इस टेम्पटेशन से बचते हुए कल्चरल रिलेटिविज्म को हमेशा तरजीह देनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। अब जैसे मैं एक बात कहूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी माननीय उपसभापति महोदय, मैकॉले को हम काफी मैं समझता हूं तंज करके रेफर करते हैं, लेकिन कभी हम लोग को यह सोचना चाहिए कि दलित बहुजन चिंतक मैकॉले पे तंज क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों मानते हैं कि मैकॉले ने कुछ द्वार भी खोले? मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं। बाबा साहब वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडियाज फ्यूचर लाइज इन वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। तो बाबा साहब पर तो माला पहनाई जाए, उन पर फिल्में बनाई जाए, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात ना किया जाए, क्योंकि आपके एथनोसेंट्रिक अप्रोच को बाबा साहब चैलेंज करते हैं, उसको धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन में मैं समझता हूं ना सिर्फ खुद इन कॉन्ट्राडिक्शन का बाबा साहब ने जिक्र किया, बल्कि इन कॉन्ट्राडिक्शन को एक आंदोलन, उन्होंने बिला वजह नहीं कहा था सर, एजुकेट and educate. Why? Because he knew the kind of education जिस एक प्राचीन भारत का आप जिक्र कर रहे हैं। सर, हर चीज जो प्राचीन होती है गोल्डन नहीं होती है। हम लोग सबको बताया गया कि गुप्ता पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री,
जब फिर गौर से पढ़ा तो पता चला कि स्लेवरी तो वहीं आई थी, विमेन के स्टेटस में डिटोरिएशन वहीं हुआ। सो थ्रू यू सॉ, अगर इस सदन को, हम सबको कोई व्यवस्था बहाल करनी है ना, द गोल्डन पीरियड शैल बी इन द फ्यूचर विच वी शैल टेक, इफ नॉट पॉसिबल वी शैल स्नैच। इस नजरिए से मैं चाहता था कि एक बात रखूं। सर, अतीत, अक्सर हम नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। नॉस्टैल्जिया में कहते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा था, प्राचीन काल में वैसा था। अब मैं जरा पेरियार को कोट करना चाहता हूं। उत्तर भारत में अभी भी बहुत कम लोग, सिवाय नाम के, उनके उनकी रचनाओं को लोगों ने नहीं पढ़ा है। सर, ये एक किताब है सच्ची रामायण, ये बैन कर दी गई थी। उनकी कई और किताबें भी बैन हुई। तो बैन होने के बाद जब लोगों ने संघर्ष किया, और तो पेरियार के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा, यह हम सबको जानना है। राकेश जी, मैं आपके समक्ष रखता हूं, हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाएगी। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। क्या पेरियार और मैकॉले को, पेरियार का क्या मानना था? क्या हमें उस पर नहीं देखना चाहिए? बाबा साहब का क्या मानना था? क्यों ऐसा होता है कि हमारी संकल्पना प्राचीन भारत की, जो हमारे तमिलनाडु के साथी भी कह रहे थे, शिवदासन भी कह रहे थे, हमारी संकल्पना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो काउ बेल्ट है, इसकी संकल्पना को ही हम प्राचीन भारत की संकल्पना मानेंगे? तो कैसे होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, अगर आप कहते हैं भारत एक है, तो सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद के आधार पर, बिना एथनोसेंट्रिक अप्रोच के हमें आगे बढ़ना होगा। सर, दो मिनट और लूंगा आज। आप बोलिए। जी सर। सर, आज शुक्रवार है। मैंने कहा ना कि अतीत की उल्टे पांव की यात्रा। अब एक चीज होती है क्रिटिकल पेडागॉजी। सर, एजुकेशन के कई डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट परिभाषा क्या है? एजुकेशन शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेंसिपेशन। वो लोगों को आजाद करे कई तरह के बंधनों से, वैचारिक बंधन हो, धार्मिक बंधन हो, या किसी प्रकार के बंधन हो। मैं दो चीज रेफर करना चाहूंगा यहां आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय। दो किताब, एक मणिमुग्ध शर्मा ने लिखी अल्लाहू अकबर। उन्होंने अकबर को कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में उसको 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 समझने की कोशिश की। और दूसरा हमारे जयराम रमेश जी हैं, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा। मैं आग्रह करूंगा कि उसको पढ़ा जाए, इन किताबों को पढ़ा जाए। संदर्भ व्यापक होगा। सर, हम तो कहते हैं वैश्विक दृष्टिकोण के हैं। विश्वविद्यालय में विश्व शब्द क्यों पहले आता है? ऐसे ही नहीं आता है यूनिवर्सिटी का अनुवाद विश्वविद्यालय। दर्शन वैश्विक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, अन्यथा तुलसीराम को जो आत्मकथाएं लिखनी पड़ी वो ना लिखनी पड़ती, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जूठन नहीं लिखना पड़ता, और रोहित वेमुला को दुनिया से जाना नहीं पड़ता। ये हमारी हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि शायद आपने ये हकीकत पैदा की, लेकिन पैदा हुई इस हकीकत को के खात्मे के लिए हमने साझा रूप से कुछ नहीं किया। हम कंफर्टेबल हैं इस हकीकत से, कंफर्टेबल हो गए। अरे, जाति है कि जाति नहीं, स्वीकार कर लिया, क्यों नहीं जा रही? यानी कि ये प्रिविलेज का बंटवारा है। जो प्रिविलेज्ड हैं उनको खुशी है कि रिचुअल सिंबॉलिक बातें बोल करके बाकी बनी रहे जाति। इसी सदन में जितने लोग होंगे उनमें से कई को शिक्षा के लिए जो संघर्ष करना पड़ा होगा, हम में से बहुतों को नहीं करना पड़ा। राकेश जी को नहीं करना पड़ा होगा, मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जो अंग्रेजी की कहावत है ना, एक लाइन, देर इज नथिंग इन नेम। सर, हम हिंदुस्तानी है, देर इज अ लॉट इन सरनेम। नाम में नहीं है लेकिन सरनेम में सब कुछ है। सरनेम ही तय करता है कहां तक पहुंचोगे और कहां रोक दिए जाओगे। ये मैं कहना चाहता था। उसके लिए वैश्विक दृष्टिकोण, जैसे बाबा साहब अंबेडकर को आप माला पहनाएंगे,
अप्रैल के महीने में कई आयोजन होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि जॉन डुवी का क्या इन्फ्लुएंस था बाबा साहब पर। जॉन डुवी से बाबा साहब को अलग कर देंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर ये यूं ही बात हो गई ना कि मेरे दादा को एक हाथी था, हाथी मर गया, लेकिन मैं इस हाथी के सपने में आज भी कविताएं लिख रहा हूं ना, उस प्रवृत्ति से बचना होगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, सावित्री बाई फुले ने मैकॉले के बारे में क्या कहा, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में क्या कहा, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन के बारे में क्या कहा। पेरियार, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप एक साझा सोच देखिए, क्यों हमारे दलित बहुजन चिंतक उस तरह से नहीं सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपका रेजोल्यूशन सोच रहा है। कहीं तो लोचा है केमिकल, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। सर, क्वालिटी, आज भी हमारे यहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं होती। अक्सर हम आंकड़ों में देखते हैं कि इतना पेनिट्रेशन हुआ, इतना हुआ, ये नहीं देखते कि गुणवत्ता पे कितना काम हुआ, एक्सेस पे कितनी बात हो रही है। अभी कोरोना के दौरान डिजिटल एजुकेशन ने कैसे फिर से प्रिविलेज्ड को और प्रिविलेज बनाया, बाकियों से सब कुछ छीन लिया। अभी बताऊं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, एमफिल खत्म कर दिया गया सर, कोई आधार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, बहुत उसके गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, सदन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा नहीं। सर, दुख इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति जी, मैं आपके समक्ष इसलिए भी कह रहा हूं कि आप बहुत गंभीरता से सुनते हैं। दुख इसलिए होता है ना कि साल दर साल मुझसे पहले कई लोग बोल गए होंगे, पिछले सदन में, पिछले के पिछले में, लेकिन कुछ हमारी सामाजिक हकीकत है ना, वो जा नहीं रही है। और जब तक वो हकीकत नहीं जाएगी सर, मैं फिर से सर एक मिनट का टाइम लूंगा। मेरे साथ सर एक स्टूडेंट था, मैंने पहले भी सदन में कहा, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था सर, दसवीं के, हमसे हमेशा उसके अच्छे अंक आते थे, और वो दसवीं के बाद जब मैंने पता किया वो कहाँ गया सर, वो चाय की दुकान खोल के बैठ गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर था, परिवार में कोई नहीं था सर, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। सर, संसाधन तय करते हैं, जाति तय करती है, सरनेम तय करता है ज्यादातर। ये इस हकीकत को हम सबको स्वीकार करेंगे ना, तो शायद आज नहीं तो कल हम इसका निदान खोज पाएंगे सर। शायद तो पीएम तक पहुंचा रही है सर। प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में आपकी चिंता मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्राचीन के लिए आंसू बहाने से पहले जरा हम समकालीन विश्वविद्यालयों को भी देख लें। मैं अगर देखता हूं अपने ही बिहार को, उत्तर प्रदेश को, अलग अलग राज्यों को, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट का तरीका, फिर मैं ये कह रहा हूं, ये मत कहिएगा कि आपकी आलोचना कर रहा हूं, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट एक खैरात की तरह बंटता है। तो दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि विश्वविद्यालय का विमर्श व्यापक हो, विश्वविद्यालय का अपना वाला कहां एडजस्ट हो जाए, ये जब तक परंपरा खत्म नहीं होगी मैं समझता हूं दिक्कत रहेगी। अब एक फ्रेज मुझको बहुत अच्छा लगा, राकेश जी मैं बधाई देता हूं, राकेश जी मुस्कुराइए, आप इतना गंभीर क्यों हैं, विचारों का स्वराज सुनने में कितना अच्छा लगता है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। आजकल इन दिनों जितने भी स्लोगन्स आ रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ध्वनि उसकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सर ध्वनि को समझने के लिए उसके अंतर्निहित तत्व को समझे। ये जो विचारों का स्वराज है, इसमें कौन कौन से विचार होंगे, इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से विचार आपको प्रीतिकर लगेंगे, कौन से विचार अप्रीतिकर लगेंगे, कौन से विचार आप कहेंगे देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ का विचार है, कौन सा विचार ऐसा है जो देशभक्त विचार है, क्योंकि हम तो यहां देख रहे हैं सर, एक कपड़ा भी जहां कंट्रोवर्सी बन जाए, जहां आपस में बाड़े खींच जाए, जहां तस्वीरें बदल जाए। मैं समझता हूं गांधी को आपने कोट किया, गांधी जी का कई दफा प्रार्थना प्रवचन में उन्होंने कहा कि मैं अपने घर की दरवाजे खिड़कियों को बंद नहीं करना चाहता, एक मिनट बस एक मिनट, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद नहीं करना चाहता, क्यों बंद करना चाहते हैं, हमें नहीं बंद करना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं तो ये भी मानता हूं कि डेमोक्रेसी का जो स्वरूप हमारा पहले था और जो स्वरूप आज है, क्या उसमें फर्क नहीं है, फर्क है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अपनी ट्रेडिशन पे गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन नजरिया क्रिटिकल होना चाहिए। और गांधी ने कॉम्पोजिट नेशन की भी बात की थी सर, एक आखिरी कहूंगा वो इसलिए, and I quote, the resolution ignores Western and Asian imaginings of national histories which have gone beyond the boundaries of the nation. हमने वेस्ट को कितना दिया है, इसकी पड़ताल हो,
हमने व्यस्त को बहुत दिया है, इसलिए एहसास कमतरी में नहीं सोचना है माननीय उपसभापति महोदय। और मेरा मानना है कि ऐसी व्यवस्थाएं हों, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बात आपने की है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां भी ये तय होना चाहिए एक्सक्लूजन इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो इंडियननेस के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत संकीर्ण दायरे की सोच में उल्टे पांव की यात्रा करते रहें। और उल्टे पांव की यात्रा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर, कि आपको पता नहीं होता है कि कब आप खाई में गिर जाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, इसके कुछ तत्व पर, इसके मर्म पर नहीं। बस व्यवस्थाएं ऐसी हो कि फिर से एजुकेशन कुछ प्रिविलेज्ड वर्गों के हाथ का की मुट्ठी की चीजें ना हो जाए, क्योंकि एजुकेशन ने इमेंसिपेशन के लिए काफी कुछ किया है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। अगर इस तरह की पद्धतियों से हम आगे चलेंगे तो वो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा सर। और राकेश जी, एक और आपके लिए आखिरी, अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। जय हिंद सर। धन्यवाद माननीय संजय सिंह जी।